हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स इन दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मैथ्स क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास फोर्थ आज इस वीडियो में हम लोग फोर्थ क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले मैं आपको इंग्लिश का पेपर बता चुकी हूं कैसा आता है और इतना एडवांस में इसलिए हम लोग कर रहे हैं वैसे अभी केवी की कोई नोटिफिकेशन नहीं है पीटी के रिगार्डिंग जो कि ऑनलाइन ही होने वाले हैं ये तो फॉर श्योर डेफिनेट है बट किस तरीके से पेपर इस बार होगा ऐसा कुछ पता नहीं है हम लोगों को लेकिन थोड़ा सा एडवांस में मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तभी जब एग्जाम की डेट शीट आ जाएगी तब आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जाए तो दैट इज ऑफ नो यूज ऐसा मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम होगा आपको अभी पता लगेगा कितने आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कितनी प्रिपरेशन है आपकी अगर आपको लगता है कम है और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं आते तो डेफिनेटली आपके पास टाइम होगा आप कवर कर सकते हैं ओके ऑन दैट नोट शुरू करते हैं इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल और इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा आप आप उसको टैप कर कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो आप जानते हैं हम हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वर्कशीट और क्विजिस कर ही रहे हैं तो आप उतनी अगर वीडियो देख लेते हैं थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर ले दैट इज सफिशियंट उतना काफी है आपके लिए ओके सो लेट्स बिगिन नाउ शुरू करते हैं चार कॉम्पिटेंसीज हैं आपके एग्जाम में फोर्टी मार्क्स का पेपर होगा आपका पीरियडिक से और टेन टेन मार्क्स की चारों कॉम्पिटेंसीज हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सो द वेरी फर्स्ट कॉम्पिटेंसी नॉलेज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में आपके अ सर्कल हैज ओनली वन डैश एक सर्कल में क्या चीज है जो सिर्फ एक ही होती है तो अ सर्कल हैज ओनली वन सेंटर कुछ आपको और भी डायमेंशन चीजें बताई हुई है सर्कल के बारे में जैसे कि आपको रेडियस बताई हुई है जो कि बहुत सारी हो सकती है आपको डायमीटर बताया हुआ है डायमीटर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं सेंटर से जो पास होकर जाते हैं आपको कॉर्ड बताई हुई है कॉर्ड्स भी बहुत सारी हो सकती है है ना बट सेंटर एक ही होता है तो सर्कल का सेंटर एक ही है तो ये इसका आंसर होगा आपका सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल रेडियाई ऑफ सर्कल रेडियस की प्लूरल रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई कई बार बच्चे रेडियस लिखते हैं विच इज रॉन्ग तो ये आप ध्यान रखेंगे आर ए डी डबल आई ये रेडियस का प्लूरल है तो जितनी भी रेडियस होती है सर्कल की दे हैव डैश लेंथ उनकी लेंथ क्या होती है सो दे हैव इक्वल लेंथ आपने देखा ये सर्कल है आपका ये सेंटर है तो सारी जो रेडियसिस होंगी वो इक्वल लेंथ की होती है आपकी हाफ मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर्स हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आप जानते हैं वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स तो हाफ मीटर में कितना हो जाएगा हंड्रेड का हाफ यानी कि फिफ्टी सेंटीमीटर और वन लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं तो वन लीटर में थाउजेंड में सॉरी वन फोर्थ लीटर में पूछा है वन लीटर में वन थाउजेंड एमएल होते हैं वन थाउजेंड मिली लीटर होते हैं वन फोर्थ में अगर पूछा है तो यानी कि थाउजेंड बाई फोर आप करेंगे चार से डिवाइड करिए इसको थाउजेंड को जो आंसर होगा वही आंसर होगा आपका थाउजेंड को डिवाइड करते हैं हम लोग फोर से वन पर टेबल नहीं चलेगी टेन पर हम लोग टेबल चलाएंगे फोर टू जार एट टू रिमाइंडर जीरो कैरी फोर फाइव जार ट्वेंटी अगेन जीरो कैरी किया तो जीरो हो जाएगा ऊपर यानी कि टू फिफ्टी टू फिफ्टी एम एल सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव एंड सिक्स में कलर टू इंडिकेट द गिवन फ्रैक्शन इसमें हाफ आपको कलर करना है पहले देख लीजिए कितने बॉक्सेस बॉक्सेस हैं हैं का हाफ आप जानते हैं सिक्स का अगर आपको हाफ निकालना है हाफ ऑफ सिक्स तो सिक्स वन सिक्स सिक्स बाई टू विच इज थ्री दैट मीनस आपको थ्री बॉक्सेज कलर करने पड़ेंगे तो कोई भी थ्री बॉक्सेज शेड कर दीजिए वन टू एंड थ्री ये थ्री कर सकते हैं फिर रैंडम आप वन टू थ्री ऐसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट है वन बाय फोर यानी कि एक चीज के आपके चार पार्ट करके आपको वन कलर करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे चार ही बॉक्सेस हैं और वन आपको कलर करना है तो ये तो सिंपल है एक आप इन चारों में से कलर कर दीजिए दिस इज वन फोर्थ पार्ट हम लोगों ने कलर कर दिया है ओके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर ये आप कंपास लीजिए कंपास में थ्री स्केल पे रख के थ्री सेंटीमीटर उसको ओपन कर लीजिए यहां पर रखिए कंपास और एक सर्कल बना दीजिए ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर ये एक्जैक्ट मुझसे बन नहीं रहा है like लाइक दिस इस तरीके से आपका सर्कल बनेगा फिर आपको उसमें एक डिजाइन बनाना है जो भी आपको अच्छा लगे एक डिजाइन प्रिपेयर कर दीजिए या आप उससे भी बना सकते हैं कंपास से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ऐसे बनाते हैं फिर जो भी आपको अच्छा लगे इसके अंदर डिजाइन कर दीजिए कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ फोर डिफरेंट वेज टू कट द रेक्टेंगल इन टू फोर इक्वल पार्ट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स आपको शो करने अलग अलग तरीके से और ये एनसीआर का भी क्वेश्चन है मैं आपको करा भी चुकी हूं वहां पर वर्कशीट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये तो देखिए कैसे कर सकते हैं सबसे पहला तो तरीका ये आप इसको वर्टिकली फोर लाइन ड्रॉ करके चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए वन टू थ्री एंड फोर ये एग्जैक्ट आ नहीं रहा है क्योंकि ये पेंसिल थोड़ी सी एक सेकेंड ओके okay. वन टू थ्री फोर ऐसे करके चार पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे इस तरीके से आप फोर इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं सेकंड एक तरीका ये हो सकता है वन टू थ्री फोर आप ऐसे चार इक्वल पार्ट्स कर दीजिए एक तरीका ये हो सकता है हाफ करिए और फिर इनके हाफ कर दीजिए हाफ एंड हाफ वन टू थ्री फोर ये चार इक्वल पार्ट्स आपके हो गए नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप वन टू थ्री एंड फोर इस तरीके से फोर इक्वल पार्ट्स कर दीजिए ओके तो ये चार तरीके हो सकते हैं आपके फोर इक्वल पार्ट्स करने के किसी रेक्टेंगल को और भी हो सकते हैं डेफिनेटली आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू द पैटर्न पैटर्न कंटिन्यू करिए पहले पैटर्न आपको समझना है कि क्या है किस तरीके से पैटर्न फ्रेम हो रहा है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है अल्फा न्यूमेरिकल है या फिर क्या है उसके बाद आप इसको आगे चलाएंगे ट्वेंटी सिक्स जेड ट्वेंटी फाइव वाई ट्वेंटी फोर एक्स तो पहले नंबर्स देखिए नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं आपके डिसेंडिंग है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर वो तो हमें पता है नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री होगा ट्वेंटी टू होगा ट्वेंटी वन होगा ट्वेंटी होगा अब आपके उनको देखते हैं जो अल्फाबेट्स लिए गए हैं जेड वाई तो लास्ट से शुरू हो रहे हैं और ये भी पीछे की तरफ चल रहे हैं जेड वाई एक्स एक्स के पहले आता है डब्ल्यू डब्ल्यू के पहले आता है वी यू टी ओके टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ईजी है ये तो नेक्स्ट है वन ट्वेंटी थ्री टू थर्टी फोर थ्री फोर्टी फाइव ये देखिए ये अच्छा पैटर्न है इसमें क्या हो रहा है आपके टेंस, और व्रेड जितने भी नंबर है सब एक एक इंक्रीज हो रहे हैं थ्री का फोर हुआ फोर का फाइव अब आप जानते हैं जो आपकी यूनिट डिजिट है वो सिक्स होगी टू से थ्री हुआ टेंथ डिजिट की अगर हम बात करें थ्री से फोर तो ये फाइव होगी वन से टू टू से थ्री तो ये फोर हो जाएगी फोर फिफ्टी सिक्स है ना वन टू थ्री टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन सिक्स सेवन एट एंड सेवन एट नाइन ये आपका किसी भी तरीके से आप इस पैटर्न को समझ लीजिए आप यू भी सोच सकते हैं कि 123 ट्वेंटी थ्री में वन 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 हंड्रेड एंड इलेवन प्लस करके या फिर हंड्रेड एंड इलेवन प्लस करके आपको पैटर्न समझना है आप इस तरीके से समझ के और इसको कंप्लीट कर दीजिएगा नेक्स्ट है कंप्लीट द नंबर टावर नंबर टावर में क्या होता है आपका ये जो दिया होता है जो आपका ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पे पर जो नंबर आता है वो अपने नीचे के दो ब्लॉक्स के सम के इक्वल आता है जैसे कि अगर हम बात करें टू प्लस फोर इस सिक्स तो इसके ऊपर सिक्स आएगा फोर प्लस सिक्स इज टेन यहां पर टेन आएगा सिक्स प्लस एट इज फोर्टीन यहां पर फोर्टीन आएगा फिर टेन प्लस सिक्स इज सिक्सटीन टेन प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फोर होगा सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर को ऐड करके आप ऊपर लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 40 ओके तो इस तरीके से आप इस नंबर पैटर्न को कंप्लीट नंबर टावर को कंप्लीट करेंगे ये ऐसे भी आ सकता है कई बार ये बॉक्सेस के फॉर्म में भी आता है ऐसे आपको चार दिए रहेंगे ऊपर थ्री होंगे और डिक्रीज होते रहते टू होंगे वन होंगे यहां पर जो नंबर इनका समझा आएगा देन इस तरीके से ओके okay. आगे आता है रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर रुपीज फाइव हंड्रेड रजिया रजिया को चेंजेस चाहिए फाइव हंड्रेड रुपीज के आपको बताना है कितने नोट्स उसको मिलेंगे अगर वो हंड्रेड रुपीज नोट्स दे रहे हैं तो आप जानते हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड फाइव टाइम्स हंड्रेड को आप एड करेंगे तो फाइव हंड्रेड आएगा तो यहाँ पर आंसर होगा फाइव फाइव हंड्रेड रुपीज नोट विल मेक फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज के अगर नोट चाहिए आप दो फिफ्टी मिलके आपका हंड्रेड बनता है तो कितने हो जाएंगे टेन बिकॉज फिफ्टी टेन्स आर फाइव हंड्रेड है ना फाइव वन जार फाइव एंड डबल जीरो आंसर विल बी टेन ट्वेंटी रुपीज के कितने नोट चाहिए होंगे फाइव हंड्रेड को डिवाइड करिए ट्वेंटी से फाइव हंड्रेड जीरो से जीरो के आंसर ट्वेंटी फाइव टूज आर फिफ्टी तो यानी कि ट्वेंटी फाइव नोट इसके चाहिए होंगे उसके बाद फाइव हंड्रेड को डिवाइड करिए फाइव से क्योंकि फाइव नोट पूछे आपसे फाइव हंड्रेड को डिवाइड करेंगे आप फाइव से फाइव वन फाइव जीरो 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 हंड्रेड तो पांच पांच के अगर आपको नोट देने हैं तो हंड्रेड कॉइन्स आपको देने पड़ेंगे फाइव हंड्रेड रुपीज बनाने के लिए ओके इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा आ सकता है एग्जाम में अरेंज द नंबर टू टू तो इन सच अ वे दैट ऑन ईच लाइन अप तो 15, ये मैं आपको मैजिक स्क्वायर बता चुकी हूं पहले भी बहुत अच्छे से और एक बहुत ईजी तरीका मैंने इसका बताया था अगर आपको याद है नहीं याद है तो ये जो वीडियो थी इस चैप्टर की उसको देख लीजिएगा एक बार जरूर क्या होता है जब आपको नंबर्स लिखने होते हैं आपको वन टू नाइन नंबर्स लिखने हैं थ्री बाई थ्री का एक स्क्वायर दिया रहता है और कंडीशन ये है कि आप ऐसे ऐड करें ऐसे करें ऐसे करें हर तरह से सम आपका कितना आना चाहिए फिफ्टीन आना चाहिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देते हैं जो बीच के आपके कॉलम्स हैं अब वन टू थ्री हम लोग ऐसे लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जहां पर तीन आपके एक ही रो में तीन नंबर हो यहां पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो ही है और सेवन एट नाइन ये आपने नाइन लिख दी इसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि यहां से इस नाइन को हटाइए और इधर ले आइए यहां पर नाइन इस तरफ वन को यहां से हटा के इस तरफ ले आएंगे सेवन को ऊपर ले जाएंगे थ्री को नीचे ले आएंगे अब ये जो नंबर्स लिखे हैं आपने सॉरी ये गलत हो गया टू सेवन सिक्स वन फोर थ्री एंड सिक्स इन नंबर्स को आप कैसे भी ऐड कर लीजिए आप ऐसे ऐड कर लीजिए देखिए सिक्स प्लस टू इज एट एट प्लस सेवन इज फिफ्टीन समिफ्टीन है इधर से ऐड करिए फाइव प्लस वन इज सिक्स सिक्स प्लस नाइन इज फिफ्टीन सिक्स प्लस थ्री इज नाइन

इज 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 सॉरी तो हर तरह से सम आपका समिफ्टीन आ रहा है और कैसे बनता है मैजिक स्क्वायर ये यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे अभी आगे आते हैं अबिलिटी टू कंप्यूट वन क्रैब हैज एट लेग्स एक जो क्रैब होता है केकड़ा आपका उसके आठ लेग्स होते हैं सो थ्री क्रैब्स हैव ये मैंने बताया था अगर वन का आपको कोई भी चीज दी और ज्यादा का पूछा हो तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई और अगर ज्यादा का देख वन का पूछा हो तो फिर आप हमेशा डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वन का दिया थ्री का पूछा है वन में एट लेग्स होते हैं तो थ्री में कितने होंगे की ट्वेंटी फोर तो थ्री ग्राम है क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर आपको देना है थ्री फोर्थ ऑफ वन के जी तो थ्री फोर्थ ऑफ ऑफ हमेशा इंटू के लिए यूज होता है वन के जी वन के जी में कितने ग्राम्स होते हैं वन थाउजेंड ग्राम्स तो आप थ्री बाई फोर ऑफ वन थाउजेंड करेंगे आप इसको वन uh, थाउजेंड को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज थ्री थाउजेंड बाई फोर ऐसे रहेगा थ्री थाउजेंड को फोर से डिवाइड करिए जो आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा सेवन सॉरी फोर सेवनजर ट्वेंटी एट टू रिमाइंडर बचा ट्वेंटी हो गया फोर फाइव ट्वेंटी उसके बाद कैरी करने के लिए हमारे पास जीरो है लेकिन टेबल चलाने के लिए कुछ नहीं है तो जीरो ही हम ऊपर रख देंगे तो आंसर होगा सेवन फिफ्टी यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है ओके okay? आगे आते हैं नेक्स्ट इज राइट द सीक्रेट मैसेज इन नंबर्स नंबर्स में सीक्रेट मैसेज लिखी लिखे रिस्पेक्ट एल्डर्स तो इसमें आपको क्या करना होता है ए के लिए वन लिखना है बी के लिए टू लिखना है इसको आप लिख लीजिए सी के लिए आप थ्री लिखेंगे डी के लिए आप फोर लिखेंगे जस्ट अ मिनट ओके okay. तो ये आपका पूरा लिख दिया मैंने यहां पे आपके लिए पहले ताकि टाइम वेस्ट ना हो सी के लिए थ्री डी के लिए फोर ए के लिए वन बी के लिए टू इस तरीके से क्यू के लिए सेवनटीन आर के लिए एटीन मतलब जिस आप वन टू थ्री फोर स्टार्टिंग से अगर काउंट करें जहां पर जो अल्फाबेट आता है उसको वही नंबर दे दिया आपने रिस्पेक्ट दी एल्डर्स अब इसको आपको सीक्रेट मैसेज में लिखना है आर को देखिए हम लोग क्या लिखते हैं आर के लिए नंबर है एटीन तो आप पहले लिखेंगे एटीन ई e. e के लिए क्या नंबर है फाइव सो एटीन फाइव नेक्स्ट इज एस एस के लिए क्या नंबर है आपका वेर इज एस नाइनटीन तो नाइनटीन नाइनटीन और एटीन को थोड़ा इसमें रखें नहीं तो कहीं कहीं आप उसको वन और नाइन ना समझें ओके okay? पी पी के लिए नंबर है सिक्सटीन सो सिक्सटीन ई ई के लिए नंबर है अगेन फाइव सी सी के लिए नंबर है थ्री और टी टी के लिए क्या नंबर है ट्वेंटी तो यहां पर ट्वेंटी ये रेस्पेक्ट लिखा गया आपका उसके बाद गैप दीजिए एल्डर्स डी टी टी के लिए क्या नंबर था आपका ट्वेंटी अगेन एच एच है आपका एट और ई e, ई e के लिए नंबर है आपका फाइव ओके एल्डर्स ई के लिए क्या नंबर था नंबर था आपका होपफुली आप समझ गए होंगे बहुत टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं ई e के लिए फाइव एल के लिए इस तरीके से तो रेस्पेक्ट आप ऐसे लिखेंगे सिंपली हेल्प द नेडी आप एक काम करिए कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हेल्प द नेडी इसको आप सीक्रेट मैसेज में कैसे लिखेंगे जो इन्होंने बताया हुआ है उसी तरीके से लिखना है आपको ओके सिमरन हैज मेड अ नेकलेस ऑफ 18 सी शेल्स सिमरन ने 18 सी शेल्स का एक नेकलेस बनाया हाउ मेनी सच नेकलेसिस नेकलेसिस कैन बी मेड आउट ऑफ हंड्रेड सी शेल्स तो हंड्रेड सी शेल्स में से बताइए कितने नेकललेसेस बन सकते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिखिए इसमें क्योंकि ये आपका आई थिंक थ्री मार्क का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप लिखेंगे शेल्स नीडेड टू मेक या रिक्वायर्ड टू मेक वन नेकलेस एक नेकलेस बनाने के लिए कितने शेल्स चाहिए एटीन टोटल शेल्स कितने हैं आपके पास टोटल शेल्स हैं हंड्रेड तो नंबर ऑफ नेकलेसेज जो आपके बन सकते हैं नंबर ऑफ नेकलेसेज हो जाएगा आपका नेकलेस एल ए सीई इज इक्वल्स टू हंड्रेड को डिवाइड कर दीजिए एटीन से क्योंकि सारे उसको आप एटीन एटीन के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे चलिए एटीन की टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आती तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटीन की टेबल एटीन फाइव आर नाइनटी एटीन सिक्स हजार हंड्रेड एंड एट जो कि ज्यादा हो जाएगा यानी कि एटीन फाइव आर नाइनटी आप टेबल चलाएंगे टेन आपका बच जाएगा तो कहने का मतलब है कितने नेकलेसेज बनेंगे नेकलेसेज बनेंगे आपके फाइव ऊपर जो आंसर आता है वो आपका टोटल होता है लेकिन उसके बाद टेन आपके बच भी जाएंगे फिर दस जो आपके सी शेल्स हैं लेकिन उससे नेकलेस नहीं बन सकता क्योंकि नेकलेस बनाने के लिए आपको अठारह सी शेल्स चाहिए एटलीस्ट तो अगर वो पूछता है कितने बच जाएंगे तो आप वो आंसर करेंगे अगर नहीं पूछता सिर्फ ये पूछता है कितने नेकलेसेस बनेंगे तो आप फाइव पर ही आंसर अपना छोड़ देंगे ओके okay? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जर्व द गिवन सर्कल एंड आंसर द क्वेश्चन राइट टू रेडियसिस इसके दो रेडियस के नाम लिखिए रेडियस आप जानते हैं सेंटर से और जो आपके सर्कल के बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस होती है तो ओ बी एक तो ये रेडियस है ओ e आपकी रेडियस है ओ डी भी रेडियस है ओ ए भी रेडियस है बट क्योंकि दो ही पूछिए ओ सी भी रेडियस है तो आप ओ बी और ओ e लिख देंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा राइट नेम ऑफ टू डायमीटर्स दो डायमीटर्स लिखना है डायमीटर होता है जो सर्कल से सर्कल तक लाइन जाती है बट वो आपकी सेंटर से पास होनी चाहिए तो सीई e, एक आपका डायमीटर है सेंटर से पास हो रहा है और यहां से यहाँ जा रहा है डी ए डी ए भी एक डायमीटर है सेंटर टू सेंटर जा रहा है नेक्स्ट इज टू कॉर्ड्स दो कॉर्ड्स आपको लिखने हैं पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है तो आप चाहे तो यहां पर ये यह भी लिख सकते हैं ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा अदरवाइज आप एक कॉर्ड का भी नाम लिख सकते हैं सी लिख दीजिए कॉर्ड आपकी ए सी भी हो जाएगी क्योंकि कॉर्ड में जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से ही जाए कॉर्ड कहीं से भी जा सकते लेकिन कोई कॉर्ड अगर सेंटर से जा रही है तो फिर उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हाफ ऑफ हंड्रेड हंड्रेड का हाफ कितना होता है फिफ्टी क्वार्टर ऑफ फोर्टी फोर्टी को क्वार्टर यानी कि फोर्थ में डिवाइड कर दीजिए फोर्टी को फोर्थ से आप डिवाइड करेंगे टेन आपका आंसर आएगा फोर टेनजर होता है अरेंज ट्वेंटी फोर ग्लासेस इन टू डिफरेंट वेज सो दैट ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ ग्लाज ट्वेंटी फोर ग्लासेस को अलग अलग तरीकों से अरेंज करिए ताकि हर रो में सेम नंबर ऑफ ग्लाज हो तो ट्वेंटी फोर के फैक्टर्स आप जानते हैं किस किस के टेबल में आता है या तो आप ट्वेल्व इंटू टू कर लीजिए दो रो बनाइए एक रो में ट्वेल्व ग्लासेज रखिए वन टू थ्री फोर ओके फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्ल और नीचे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्ल ये आप कर सकते हैं बिकॉज ट्वेल्ल टू जर टेंट फोर उसके बाद आप जानते हैं ट्वेंटी फोर आपका फोर की टेबल में भी आता है फोर सिक्स जार ट्वेंटी फोर तो आप ये भी कर सकते हैं चार रोज बनाइए और एक रो में सिक्स ग्लासेस रखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसी तरीके से इसमें भी सिक्स सेकेंड रो में थर्ड रो में भी सिक्स फोर्थ रो में भी सिक्स तो ये भी ट्वेंटी फोर ग्लासेस आपके अरेंज हो सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें एट इंटू थ्री भी कर सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे आगे आते हैं देर आर नाइन्टी स्टूडेंट्स सिक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम वन ग्रुप एक उसमें नाइन्टी स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में छह बच्चे हैं सो हाउ मेनी ग्रुप्स ऑल स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड तो कितने स्टूडेंट्स कितने ग्रुप्स में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं तो आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू नाइन्टी ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे इन वन ग्रुप दैट इज इक्वल्स टू सिक्स एक ग्रुप में छह बच्चे हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स ग्रुप्स कितने होंगे क्योंकि आपको डिवाइड करना है तो ग्रुप्स निकालने के लिए आप 90 को डिवाइड कर दीजिए 6 से ओके okay? 90 को डिवाइड करना है 6 से सिक्स वन जार्स सेवन एट नाइन थ्री बचेगा 30 हो जाएगा 6 फाइव जार थर्टी यानी कितने ग्रुप्स बनेंगे आंसर विल बी 15 ग्रुप्स 15 ग्रुप्स आपके बनेंगे ओके okay? अगले क्वेश्चन पर आता है लुक एट द प्राइस लिस्ट चार्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो प्राइस लिस्ट चार्ट को चार्ट को देखिए जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करिए एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको आइटम्स दिए हुए उनके प्राइस दिए हुए टोमेटोज फोर्टी रुपीज पर के जी है पोटैटो ट्वेंटी अनियन सिक्सटी कॉलीफ्लावर थर्टी ओके so, सो तो हाफ के जी अनियन पूछे आपसे अनियन है सिक्सटी बाई टू सिक्सटी का हाफ आप जानते हैं थर्टी होगा फाइव के जी पोटोज पोटैटो आर ट्वेंटी रुपीज के जी ट्वेंटी इंटू फाइव आप करेंगे दिस विल भी हंड्रेड हंड्रेड रुपीज के हो जाएंगे वन बाई फोर के जी ऑफ टोमेटोज 1 बाई फोर के जी ऑफ टोमेटो का कॉस्ट है फोर्टी तो ये हो जाएगा फोर्टी बाय फोर यानी कि टेन नेक्स्ट इज हाफ के जी कॉलीफ्लावर एंड हाफ के जी पोटैटो तो हाफ के जी कॉलीफ्लावर कितने के होंगे थर्टी का हाफ करिए और पोटेटो कितने का रेट था ट्वेंटी ट्वेंटी का वन बाय फोर करिए ट्वेंटी बाई फोर तो ये हो जाएगा थर्टी uh, का अगर आप हाफ करेंगे फिफ्टीन और ट्वेंटी का वन फोरथ हो जाएगा फाइव फाइव फोर्स ट्वेंटी तो फिफ्टीन में फाइव प्लस करेंगे तो ट्वेंटी रुपीज ओके okay? सो so, ये आपका क्वेश्चन पेपर था जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं देख लीजिए कितनी प्रिपरेशन आपके नहीं आते तो चैनल पे जाके जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वेरी सुन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके भी वीडियोज एल अपलोड ओके थैंक्स अगेन